शर्लिन चोपड़ा साजिद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर देर रात जुहू पुलिस स्टेशन से निकली। शर्लिन ने कहा कि उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब साजिद खान को बुलाकर उनसे पूछताछ करेगी। शर्लिन ने बताया, शर्लिन ने बयान दर्ज करवाने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि साजिद खान पर सलमान खान का हाथ है और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्ट्रेस ने सलमान खान से भी अपील की है कि वो इस मामले में नजर डाले। इसी के साथ एक्ट्रेस ने कहा है कि हम लोग आपको भाईजान बोलते हैं तो हम आपकी बहन क्यों नहीं हो सकते हैं। हम लोग सलमान खान के घर के बाहर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेक्ट भी करेंगे। शर्लिन ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी ही नहीं है बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्हें साजिद द्वारा हैरेस किया गया है। फिल्म एसोसिएशन ने मामले को संजीदगी से लेते हुए साजिद खान पर एक साल का बैन लगाया था जिसके चलते उन्हें हाउसफुल 2 फिल्म भी छोड़नी पड़ी थी। साजिद ने हर बार इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। पूछताछ के लिए साजिद को चलते शो से निकाला जा सकता है लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अरमान कोहली को भी इससे पहले चलते शो से अरेस्ट किया जा चुका है। दरअसल बिग बॉस 7 में अरमान कोहली और सूफिया हयात के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी। लड़ाई के दौरान ही सूफिया को अरमान के हाथ से वाइपर लगा था। शो से निकालकर सूफिया ने अरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी जिससे उन्हें 20 शो से निकालना पड़ा था। दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।